Commissioner has welcomed two newly appointed election commissioners, Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu, to take charge. In fact, the poll body is now holding meet to discuss the preparations for the Lok Sabha elections. A big development after the Chief Election Commissioner has now welcomed the election commissioners. Earlier, remember viewers, one of the election commissioners had quit citing personal reasons, following which there was again a PM-led panel meet which decided on the new election commissioners. The opposition had been crying foul over the appointment, but now it's the Chief Election Commissioner who has welcomed the two election commissioners, Gyanesh Kumar from Kerala and Sukhbir Singh Sandhu from Punjab. And the poll body will be holding a meet to discuss the preparations for the Lok Sabha elections. Ravi Kant joins us on the phone line to help us understand what this means. Ravi Kant, पहले जैसे देखा जा रहा था, opposition अधिरंजन चौधरी ने बहुत ही संगीन आरोप लगाए थे कि एक तरह से गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है इस अपॉइंटमेंट में, और अभी देखा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने इनका स्वागत भी किया। देखिए, प्रधानमंत्री की अगुवाई में कमेटी बैठी थी और कमेटी में दो नामों पर मुहर लगी और दोनों ही चुनाव आयुक्त ने आज अपना इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अपना कार्यभार संभाल लिया है। और इस वक्त चुनाव आयोग में एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जा रही है कि चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो किस लेवल पे हैं, सिक्योरिटी के जो इंतजाम होते हैं उससे उसको लेकर गृह मंत्रालय से जो कोऑर्डिनेशन होता है चुनाव आयोग का, कितनी सिक्योरिटी कहाँ डिप्लॉय करनी है, उन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद आने वाले कुछ दिनों में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे, चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। रही बात ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन लगातार क्वेश्चन करता रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको वीक करने के लिए काम करता रही है। और इस ऐसे में कल जो बैठक हुई थी उसको लेकर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने ये आरोप लगाया कि जब उनको लिस्ट दी गई थी उसमें लगभग 212 से 215 नामों की एक लिस्ट थी, लेकिन जब वो फाइनल मीटिंग में पहुंचे तो उनके पास सिर्फ 6 नाम थे और सरकार अपने तरीके से मनमानी कर रही है। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है चुनने का चुनाव आयोग को, वो प्रक्रिया फॉलो की गई है और दोनों ही चुनाव आयुक्त जो है आज इलेक्शन कमीशन में अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं और इस वक्त वो चुनाव आयोग में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं आम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। जी रविकांत, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। सो फ्रॉम व्हाट रविकांत इज हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड दैट द इलेक्शन कमिश्नर्स हैव ऑलरेडी टेकन चार्ज एंड अ की मीटिंग इज अंडरवे टू डिस्कस द प्रिपरेशंस फॉर द लोकसभा।